आपकी स्टोरी बताई जा रही है इस फिल्म के जरिए, आपको थोड़ा सा नर्वसनेस नहीं हो रहा कि अब सबके सामने, अब पूरी इंडिया देखेगी भाई, पूरी दुनिया देखेगी अब ये फिल्म, क्या बोलते हो? It's a bit awkward, you know, to watch your own movie, you know, movie that's made on you. It's a bit awkward, to be frank. But at the same time, I felt I was not the person who was very nervous. It has to be Sushant. The reason being, you know, let's say, जैसा बात करें, मैं क्यों बोल रहा हूँ सुशांत के ऊपर प्रेशर है कि किसी मैच के सिचुएशन की बात करें कि लेट से हम कोई मैच हार गए तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा? मैं ऐसे बैठा रहूंगा दो चार बार अपनी दांतों को ग्राइंड करूंगा, थोड़ा सोचूंगा, बस दैट्स इट. बट अगर सुशांत मूवी में ऐसे काम करता है तो यू कैन इमेजिन पूरे जो मूवी का ड्यूरेशन होगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा. सो सुशांत के लिए ज्यादा मुश्किल था कि उसको बाहर निकालना है और ऑडियंस को बिलीव कराना है कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा था, जिसके लिए इसने मुझे बहुत कुरेदा है कि उस समय कैसा फीलिंग था, इस समय कैसा फीलिंग था. मैं बोला यार तुम सवाल ही पूछते रहते हो. रियलिटी है कि रियलिटी है कि हमने बहुत कम टाइम स्पेंड किया साथ में, बट इसने जिस तरीके का एफर्ट डाला है, क्योंकि एक पार्ट क्रिकेट भी था, तो ऑफ कोर्स हर कोई हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट जब स्क्रीन में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है तो आपको सर्टेन चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, स्पेशली अगर क्रिकेट से रिलेटेड हो तो क्रिकेटिंग शॉट्स वगैरह खेलने पड़ते हैं. सर हेलीकॉप्टर शॉट सर. तो मूवी में इसने हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा है एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक अ रेप्लिका. सो बहुत एफर्ट डाला है सुशांत ने एंड नीरज तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. नीरज के लिए मैं आई फील ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स. काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, दूसरे भी अच्छे डायरेक्टर्स, बट आई लाइक जिस तरीके से ये मूवी को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके से इनकी मूवी में जो भी मेन थीम रहता है उससे बहुत ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है, इट स्टिक्स टू द थीम एंड दैट्स हाउ इट गेट्स ओवर. सो यू नो नीरज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे. आई थिंक इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है और आई फेल्ट यू नो जितना भी हमने इंटरेक्शन किया, आई थिंक काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, बट आई थिंक नीरज, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हमने एक्सचेंज किया, शेयर किया, तो आई थिंक ही नोज़ अ लॉट ऑफ मी, द इनसाइड स्टोरी ऑफ मी, यू नो मैं कैसे सोचता हूँ, अगर मैंने कुछ किया तो मैंने क्यों किया या कैसे किया, यू नो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा जानते हैं. तो you know if you can convince him for an interview you will get a better interview than than you know really asking me a question, kyunki main kafi baar bol jaunga nahi is topic pe nahi bol sakta ye nahi kar sakta wo nahi kar sakta but so they are not asking, I'm used to answering na. Just say it, sir, they'll answer the question. So I'll start with that and I'll finish whatever I have to say, you know, like a post-match presentation. So I think it's just fantastic. It's slightly different to what all of us are quite used to watching, and it's a man speaking, so it's his side of the story, what he felt at different instances throughout his career, and also Sachin had a very long career, so throughout what he went through, what were the challenges, and it's interesting to get the comments from people that were close to him, people who watched him over a period, and the family members and the close friends. And I think also what was very nice was, you know, Anjali Bhabhi speaking, you know, about what he thought about all the different things, and what to die for is the family videos, you know, because that's something that I miss. You know, I don't have a lot of family videos, but there are quite a few family videos in there where, you know, Paji is playing with the kids, you know, moments with Anjali Bhabhi, parents and all of that. So, you know, very inspiring, very nice, and you can see, you can also see how India changed, you know, from where he made his debut to when he retired, and
There was a period when the team was accompanied with one camera, so you see a lot of shots of that. And finally, when you retired, you know, there were like 150 cameras. So there are a lot of things, very inspiring things that's there for the youngsters to see. You know, it's not about only about having the talents, it's the hard work that goes through. And I think it's all about, you know, what all he had to put in, what all he had to sacrifice, and the people that supported him. And it's all about the phenomena that we call Sachin, and you know, very inspiring, as I said. So it's a pleasure watching. Don't miss it. मैं यही चाहता हूँ कि वो कभी ज़िंदगी में रिटायर ही नहीं हो यार, इससे बड़ी बात ही क्या हो सकती है. इज़ अ गॉड ऑफ क्रिकेट अकॉर्डिंग टू मी. और धोनी आज भी और रिटायर होने के बाद भी उनकी स्टैचर बढ़ते जाएगी. यू नो, एंड दैट इज महेंद्र सिंह धोनी. आपके बहुत ही अच्छे मित्र एमएस धोनी की फिल्म आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं उसमें आपका भी कहीं ना कहीं पार्ट होगा, तो उसको लेकर किस तरह एक्साइटेड है? देखना चाहता हूँ मैं कि मुझे एम एस धोनी ने किस तरह दिखाया है पिक्चर में. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म. आई विश हिम ऑल द बेस्ट और देखते हैं क्या होता है पिक्चर में. देखिए अभी डिसाइड नहीं किया, वैसे तो एक्टर मैं भी बड़ा अच्छा हूँ, लेकिन आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट. आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट माई कंट्री अगेन, दैट्स दैट्स माई मोटिवेशन. होपफुली इफ आई कैन डू दैट. और उसके बाद जिस दिन क्रिकेट खत्म होगी, आई कैन थिंक अबाउट इट. देश के सबसे बड़े खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी पे फिल्म बन रही है, आप किस तरह उसको? देखिए, आप ट्रेलर देखा आपने? मैंने भी देखा, बड़ा अच्छा लगा. और आई एम श्योर मूवी ज़बरदस्त होगी. जिस तरह से दिख रहा है ट्रेलर में, I really think it's going to be one of the best sports movie. So looking forward to it. युवराज सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, और भी ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं जिनकी लाइफ अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. कई क्रिकेटर्स की आप देखते हैं जहाँ पे उनकी यू नो बायोपिक्स बनती है, जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और हमेशा आई थिंक ये बहुत साल पहले मूवीज आके गई हैं, आने वाले वक्त में भी आती रहेगी. पर लेकिन अभी फिलहाल सचिन पाजी पे मूवी बन रही है, तो उनके ऊपर भी आई थिंक लुक फॉरवर्ड करा. उनकी भी स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशन रहेगी. और आई एम श्योर यूवी धोनी के बाद अगर किसी की मूवी बननी चाहिए तो यूवी की. आपके ऊपर अगर बन रही है तो कौन अभिनेता? रणबीर कपूर. यार ऑनेस्टली मैंने ऑफकोर्स उसके बारे में सुना. आई थिंक सुशांत सिंह, राइट? ही इज डूइंग इट, एंड आई थिंक ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब. आई मीन धोनी का तो सबसे बड़ा हाथ है. मैं आज पूनम पांडे उन्हीं की वजह से, सो आई वुड लव टू गो एंड वॉच दैट फिल्म. ऑफकोर्स फिलहाल मैं इस वीकेंड पे अपनी वीकेंड बना लूँ, यहाँ पे मैं वही प्रमोट कर रही हूँ. ऑफकोर्स ये मरवाएगा ये कपड़े में, तुम मुझे ये पूछ रहे हो? बिल्कुल भी नहीं. I'm not gonna say that. Thank you very much. MS धोनी फिल्म आ रही है, उसको लेकर क्या अपेक्षाएं? MS धोनी के ऊपर फिल्म आ रही है, उसको लेकर आपकी क्या अपेक्षाएं? बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है. आई थिंक उनकी एक ऐसी कहानी है जो हर कोई जानना चाहता है और हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. जनरली जब मैंने हाँ करी और मैं प्रिपेयर कर रहा था और जब शूट कर रहा था, तो ज़्यादा मैं ये सोच नहीं रहा था कि ऑडियंस इसके बारे में क्या सोचेगी. लेकिन एक एक मेरे जहन में एक बात थी कि क्योंकि MS अभी खेल रहे हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजुअल रेफरेंस है उनका. तो वो किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से वो ग्लव्स ऐसे करते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो सही करनी थी मुझे. तो मुझे बस ये लग रहा था कि लोग मुझे बस समझ लें कि हाँ मैं MS हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग विजुअल रेफरेंस है MS का. तो ये एक मेरे जहन में बात थी. लेकिन ट्रेलर में आई थिंक 3 मिनट के ट्रेलर में जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है, अगर हम 3 मिनट में ये कन्विंस कर सकते हैं तो फिर 3 घंटे में तो अच्छा ही लगेगा. ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं जाना चाहूँगी, इधर सुशांत जस्ट या यहाँ पे मैं जाना चाहूँगी. जैसे कि इन्होंने कहा मोटू पतलू से दो जनरेशन सर्टनली जैसे बोलते हैं कि समझ पाएगी, जुड़ पाएगी. आपकी फिल्म जब MS धोनी की बात करती हूँ तो ये वो जनरेशन है जो आपको देख रही है, लेकिन चैलेंजेस भी आपके लिए वो रोल प्ले करने के लिए बहुत ज़्यादा रहे होंगे, इसलिए क्योंकि वो शख्स ऑलरेडी प्ले कर रहा है.
सो जब ऐसे रियल लाइफ शख्स जो सामने खेल रहा हो, नाम कमा रहा हो, उसको प्ले करना कितना टफ था आपके लिए? टफ इस वजह से नहीं होता कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं जब तक फिल्म रिलीज़ के कुछ 2-3 हफ्ते पहले से सोचने लगता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन तब तक मैं नहीं सोचता, तब तक मैं बहुत ही सेल्फिश एक्टर हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए करता हूँ, मैं एक्साइटमेंट देखता हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, 2004 में मैं कितने उनको स्टॉक करके उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई थी मैंने, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to understand. Sir, what was your question? So exactly. So it was not tough vis-a-vis that. It was tough because the most important thing we actors are supposed to do is to convince ourselves that we are the characters. And since I had such a strong visual reference of Dhoni, so it was a very difficult task for me. So it was a complete immersion. So that when I was shooting on the first day, I was not pretending to be Dhoni, I was Dhoni. जैसे मैंने बोला कि क्योंकि हमें देख आउटपुट पता है कि इस तरीके का होना चाहिए, तो ये बहुत ही स्ट्रेंज मिक्स है, क्योंकि जो एक्टर एक प्रोसेस करता है अपने आप को कैरेक्टर बिल्डिंग करने के लिए, अपने आप को कन्विंस करने के लिए, वो बहुत ही ऑर्गेनिक होता है, लेकिन साथ में क्योंकि विजुअल रेफरेंस है तो एक सर्टन लेवल ऑफ इमिटेशन भी है, तो इन दोनों का जो एमलगमेशन है उससे ये कैरेक्टर निकालना था, जो मैंने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन जो जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप पहले नहीं करते तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, और मैं एक्साइटमेंट के लिए काम करता हूँ। पहले दिन जिस दिन मैं ट्राई कर रहा था उसी दिन आई थिंक किरण मोरे सर मुझे ट्रेन कर रहे थे, पहले दिन ही आखिर में कुछ मैं लगाने लगा था, और हमारे पास एनालिस्ट थे जिन्होंने फ्रेम वाइज MS के सारे शॉट्स मुझे दिए थे कि कब कैसे वेट ट्रांसफ़र होता है, तो पहले दिन ही हो गया था, लेकिन द थिंग वॉज वेन आई वेंट बैक आई रियलाइज दैट आई हैड अ पेन एंड मुझे फ्लोटिंग रिब में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था, बिकॉज यू हैव टू स्टॉप द मोमेंटम, यू हैव टू गो बैक, योर बॉडी इज नॉट यूज टू इट, तो 2 हफ्ते की छुट्टी मिली, लेकिन हाँ अभी हेलीकॉप्टर अच्छे से उड़ता है। और स्टार देना है तो 5 out of 5 बहुत अच्छी मैच। 5 स्टार है, 4 है मेरी तरफ से, 5 out of 4.5 5.5 ओ डेफिनेटली 4.5 बहुत रिकमेंडेड, थैंक यू। 4 5 में से 4 5 ऑफ कोर्स 5 10 में से 10 स्टार, इसके लिए स्टार क्या एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड था ये तो, धोनी तो 5 फुल ऑल स्टार्स 5 में से 15 धोनी हमारा एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, 2019 का वर्ल्ड कप भी जल्दी धोनी लेके आएगा, धोनी कभी रिटायर नहीं होगा। 5 में से 4.5 नहीं, मेरे साइड से अगर मुझे देना हो 5 स्टार बहुत कम पड़ जाएंगे, मिनिमम में 10-15 4.5 4 दूंगा। कितने स्टार, कितने में, 10 में से या कितने में? 5 में से मैं 6 स्टार दूंगा। 5 में से आई वुड लाइक टू गिव 4 5.5 सो आई वुड रेट दिस मूवी 6.5 कितने स्टार देना चाहेंगे 5 में से? 4.5 कितने स्टार देंगे 5 में से? 4 4 20